होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। सभी को नमस्कार। ये जो बाइक है, आपको किसी को अवेंजर जैसी लगेगी, किसी को हार्डली डेविडसन जैसी लगेगी और किसी को उसके मन की गाड़ी जैसी लगेगी। इसकी नंबर प्लेट देखकर आप समझ सकते हैं कि आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ी है। और आपको इस गाड़ी के बारे में बताते हैं, मध्य प्रदेश के खंडवा में अभी कुछ देर पहले हमने ये गाड़ी देखी। गाड़ी का फीचर बताए बगैर हमसे रहा नहीं जा रहा आपको, क्योंकि इसका कारण है कि ये ई बाइक है। अभी तक खंडवा में ऐसी ई बाइक हमने नहीं देखी। एक साथी हैं जो अक्सर चाय की दुकान पर जब हम चाय पीने आते हैं तो वो यहाँ आते रहते हैं और अक्सर इस गाड़ी को लेकर आते हैं। जब आज हमें पता लगा कि ये जो गाड़ी है पेट्रोल गाड़ी नहीं है, ई बाइक है, तो सोचा कि आपको इसके बारे में बता दें। खंडवा में फ़िलहाल ऐसी गाड़ी को लेकर शायद ही कोई शोरूम है या किसी शोरूम पर ये गाड़ी मौजूद है। इस गाड़ी के जो ऑनर हैं उससे हम आपकी बात कराएंगे। ऑनर यहाँ पर मौजूद हैं और इस गाड़ी के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या इसकी रेंज है, कहाँ से इन्होंने ली थी। जी, आपका नाम क्या है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजकुमार पटेल है जी। मैं बेसिकली रांझी का रहने वाला हूँ। अच्छा। और दवाई कंपनियों में काम करता हूँ। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक बाइक मैंने इंदौर में इसकी टेस्ट ड्राइव ली। अच्छा। जो कि बहुत ही अच्छी लगी, जो कि हमारा पॉल्यूशन भी नहीं करती। क्या करते हैं आप? मैं पेस्टिसाइड दवाई की कंपनी में काम करता हूँ। मार्केटिंग करनी पड़ती है आपको? मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, इसकी एवरेज कितनी है? इसकी एवरेज कंपनी क्लेम करती है 200 से 250, बाकी 150 किलोमीटर बहुत ही आसानी से चल जाती है। चल जाती है जी, 200 से 150 किलोमीटर चल जाती है जी, बिल्कुल। अच्छा, रेंज कितनी है, कॉस्टिंग कितनी है इसकी? कॉस्टिंग 30 रुपए में 100 किलोमीटर चल जाती है। नहीं, मतलब चार्ज कितनी देर में? चार्ज 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। रात में लगा के सो जाते हैं, ऑटो कट हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। और कितने के लिए आपने ये नई की? अभी करंट प्राइस 2,28,000 रुपए है। अच्छा जी, तो आपने ये ली कहाँ से? जी, मैं तो सेकंड लाया था। अच्छा, आसाम से लाया, गुवाहाटी से। अच्छा, आसाम गुवाहाटी से लाया। यहाँ अभी तक देखी नहीं, इसलिए सोचा बता दें। मतलब 150 किलोमीटर चल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। और मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी? 90+ स्पीड चली जाती है फोर्थ गियर में। इसमें 4 गियर है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 गियर में 90 की स्पीड चली जाती है अप्रॉक्स। इसकी मार्केट में नई की वैल्यू 2.25 लाख है और आपने आसाम से ली। मार्केटिंग का काम करते हैं इसलिए ये पूरा दिन आपको घुमा देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। रात को चार्जिंग पे लगा के सो जाते हैं, सुबह इसको घुमाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और ऐसा कोई ड्रॉबैक अभी तक लगा इसमें कि कोई ड्रॉबैक हो? इसमें ऐसा ड्रॉबैक कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, कंफर्टेबल है बैठ के चलाने में? ऐसी कंफर्टेबल है कि बिल्कुल थकान नहीं होती और पैसा वसूल गाड़ी है। पैसा वसूल गाड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो खंडवा में तो जो है वो ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है। आसाम से लेकर आए थे, सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर आए, लेकिन नई गाड़ी की कॉस्ट इनको पता है। इनका ये कहना है कि 2.25 लाख रुपए लगभग इस गाड़ी की कॉस्ट है। और अभी हमने भी इस गाड़ी का ट्रायल लिया, बहुत ही आनंद आया, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। सबसे अच्छी बात यह है कि गाड़ी जो है वो अप्रॉक्स 150 किलोमीटर चल जाती है। अगर कोई व्यक्ति लोकल में मार्केटिंग करता है और वो यूथ है, यूथ के हिसाब से उसको गाड़ी में जो है वो लुक चाहिए और वो चाहता है कि गाड़ी कंफर्टेबल भी हो, इकोनॉमिक रूप से उसको अफोर्डेबिलिटी भी हो और उसको गाड़ी बैठने में अच्छी लगे, कंफर्टेबल लगे, उस लिहाज से जो है ये गाड़ी बुरी नहीं है। पर अभी खंडवा और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में शायद ही इस तरह की गाड़ी का कोई शोरूम है। आपको बता दें कि इसकी खंडवा में तो कोई डीलरशिप नहीं है, लेकिन अगर खंडवा में कोई इस तरह की गाड़ियों की डीलरशिप लाएगा जो देखने में सुंदर हो और अफोर्डिंग रेंज में है, इसके अलावा जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी है, गाड़ी जो है मजबूत भी दिखाई दे रही है, अभी तक कोई ड्रॉबैक भी नहीं है, ऐसा इनके जो ऑनर है उनका कहना है, तो गाड़ी देखकर सोचा आपको बता दें। खंडवा में ऐसी गाड़ी हमने अभी तक नहीं देखी। कुछ भी खंडवा में नया दिखता है तो सोचते हैं कि आपको बता दें। गाड़ी देखने में मस्त है, कंफर्टेबल है, 150+ इसकी पर डे की रेंज है जहाँ पर आप घूम के आ सकते हो। तो गाड़ी बहुत मस्त लगी और अगर खंडवा में कोई शोरूम आता है तो उम्मीद है कि ये गाड़ी हाथों हाथ बिकना भी शुरू हो जाएगी। कोई ब्रांड लिखा हुआ इस पे, कोमाकी। अच्छा, कोमाकी का शोरूम था खंडवा में, मुश्ताक भाई का शोरूम। हमारे पास भी कोमाकी की बाइक है, बट वो शोरूम जो है अभी बंद हो गया है, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला।
कोमाकी जो है बड़ा सेटल ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक बाइक में, ई बाइक में, और उसकी बहुत अच्छी रेंज है, पर ये वाली रेंज खंडवा में मौजूद नहीं थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो आप अपने कमेंट में इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।